नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड में रामनगर के पीरू मदारा क्षेत्र के प्रमुख व्यवसायी एवं समाज सेवी सतनाम सिंह और स्टोन क्रेशर स्वामी समरपाल सिंह के खिलाफ पीरू मदारा चौकी इंचार्ज की ओर से बिना कोई जांच किए कार्रवाई किए जाने के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने चौकी पहुंचकर चौकी इंचार्ज राजेश जोशी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। अधिकारियों से शीघ्र चौकी इंचार्ज को हटाए जाने की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। सतनाम सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में उदयपुरी बंदोबस्ती इलाके में कुछ दिन पूर्व विवाद हुआ था। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके और समरपाल सिंह के खिलाफ चौकी पुलिस को तहरीर दी थी। उनका आरोप है कि चौकी पुलिस ने बिना कोई जांच किए दबाव में आकर उनके खिलाफ कार्रवाई की है, इससे उनकी मान मर्यादा को ठेस पहुंची है। उन्होंने कहा है कि उनके खिलाफ हुई इस कार्रवाई का ग्रामीणों ने भी विरोध किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि यदि चौकी इंचार्ज को नहीं हटाया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। वहीं इस मामले में चौकी इंचार्ज राजेश जोशी ने बताया कि उदयपुरी बंदोबस्ती में स्टोन क्रेशर लगाने को लेकर इन दोनों पक्षों का विवाद चल रहा था। ये मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने किसी के भी दबाव में आकर कोई कार्रवाई नहीं की है। गांव में शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर उनकी ओर से दोनों पक्षों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। रामनगर से हमारे संवाददाता स्पर्श अग्रवाल की रिपोर्ट। दरअसल जी, यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले उदयपुरी बंदोबस्ती में, और उसमें उन लोगों ने पहले फर्जी मेरा नाम और चौधरी समरपाल जी का नाम जो है उसमें दिया है उन्होंने। तो हमने कहा इसमें जांच करवाए, तो वो लोग ने फिर वो नाम वापस ले लिए, अज्ञात लोगों के नाम लिखवा दिया। फिर एक एप्लीकेशन उसके बाद उन्होंने ये दे दी कि भी साहब हम इन लोगों से खतरा है काफ़ी दिन पहले। और अचानक जो है अपने राजेश जी चौकी इंचार्ज है, इन्होंने परसों जो है किसी भी पक्ष को नहीं बुलाया ना हमें सुना। और मैं यहाँ पर इतने लोगों के बीच में कह सकता हूँ कि मेरे से ना तो आज तक उनसे कभी बात हुई है दूसरे पक्ष से, फ़ोन पर मोबाइल कॉल एक साल की डिटेल लगा, ना कभी आमने सामने हुई है। पुलिस तो कुछ भी कर सकती है, मोबाइल लोकेशन चेक कर सकती है कि हम दोनों एक साथ रहे हों, कभी मेरा उस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। मुझे अगर इस सही से बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने जो है एक फर्जी मुकदमा एक एप्लीकेशन पर बिना जांच के 117 लोग कायम कर दी। मैं क्षेत्र का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, यहाँ का समाज सेवी हूँ, और अगर ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसे होने लगा तो आम जनता का क्या होगा। तो इस जब ये सारी बात मैंने सब लोगों को बताई तो पूरा क्षेत्र इक्का हो गया, पूरा पीरमदारा का क्षेत्र व्यापार मंडल सब लोग इकट्ठे हुए, किसान यूनियन सब इकट्ठी हुई। उन्होंने ये कहा कि भाई हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो इसीलिए सारे लोगों का आक्रोश है कि इनको यहाँ से शीघ्र हटाया जाए और इस तरीके से जो पुलिस अपनी मनमानी ना करे, और ये जो है बहुत गलत हुआ है। आगे कार्रवाई आंदोलन करेंगे, यहाँ पर पूरा क्षेत्र एकजुट है, सब लोग ही खड़े हैं, और ये सब लोग यहाँ पर जो है चौकी का आज ज्ञापन दिया है, फिर उसके बाद घेराव करेंगे और यहाँ इकट्ठे होंगे सब लोग और लेंगे। अब जो आला अधिकारी हैं उनके साथ पहुँचा जाएगा, इनके खिलाफ CM साहब को चिट्ठी लिखी जाएगी सबका साथ साथ जी। बिलो बिना पूछे मेरे को नहीं बुलाया गया, हम लोगों को नहीं बुलाया गया। अगर कोई प्रार्थना पत्र आया तो पुलिस उसमें जांच करती है, दोनों पक्षों की सुनती है, और वो हमारे सामने पूछा जाए। और मैं तो आज भी तैयार हूँ भी, आपने क्यों नहीं पूछा और बिना पूछे अपने मनमानी किस लालच में किस वजह से किस दबाव में कर दी। देखिए, दिनांक 4 मई को उदयपुरी बंदोबस्ती के ग्रामवासियों द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि हमारा जो है ये सतनाम चौधरी और समरपाल करके एक व्यक्ति हैं, इनसे क्रेशर को लेकर के विवाद चल रहा है, जिस हाईकोर्ट में भी याचिका दायर की गई है, और आए दिन दोनों पक्षों के बीच इस बात को लेकर के विवाद होता रहता है, जिसके संबंध में दोनों पक्षों की 116 की कार्रवाई की गई है, और उसी को लेकर के दूसरे पक्ष वाले जो है यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए हुए हैं, और उनको जो है समझा दिया गया है, उनको अवगत करा दिया गया है कि ये एक कानूनी कार्रवाई है, भूमि संबंधित विवाद या अन्य संबंधित कोई विवाद है तो इसमें जो है 116 की कार्रवाई की जाती है पाबंद करने के लिए दोनों पक्षों को, कि भविष्य में कोई विवाद ना हो। दोनों पक्षों की के खिलाफ 116 की कार्रवाई हुई है, एक तरफा कोई कार्रवाई नहीं है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों जाँच करने के बाद दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई हुई है 116 की। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें, और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।